हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं पुरानी साड़ी का यूज़ करने वाले हैं, वेस्ट ब्लाउज पीसेज यूज़ करने वाले हैं और बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर। देखिए इस तरीके से इसे हमने नए तरीके से बनाया है। इस तरीके से बनाएंगे तो क्विल्टिंग करना बहुत ही ईजी होता है। बिल्कुल नया मेथड बताया है, आपको बहुत ही पसंद आएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने पीसेस कट किए हैं। सबसे ऊपर मेन फैब्रिक, कोई भी पुराना ब्लाउज पीस पड़ा हो, कपड़े के पीसेस पड़े हो आपके पास पुरानी, इस तरीके से हमारे पास साड़ी होती है जरी वाली, वो साड़ी पड़ी हो वो आप यूज कर सकते हो। तो साड़ी है, सूट का बचा हुआ कपड़ा है, ब्लाउज का बचा हुआ कपड़ा है, वेस्ट ब्लाउज पीस है, कुछ भी है। देखिए इस तरीके से उस कपड़े में से आप बना सकते हैं। और बीच में मैंने इस तरीके से यूज़ किया फॉर्म शीट, और सबसे नीचे मैंने यूज़ किया कोई भी पुराना दुपट्टा हो आपके पास। तो ये मेरे पास पुराना दुपट्टा था, उसमें से मैंने लाइनिंग कट किया। तो नीचे लाइनिंग के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। बीच में इस तरीके से सॉफ्ट वाली मैंने फॉर्म शीट यूज़ की है। इस तरीके से तीनों पीसेस को मैंने रखा हुआ है। ये मैंने लिया है 10 इंच और ऐसे लिया है मैंने 8 इंच। तो ये मैं छोटे छोटे अलग अलग पीसेस क्विल्ट करूंगी। इस तरीके से क्या होगा कि आपको ये जो फॉर्म शीट के साथ है, फॉर्म शीट है, तो आपको एक बड़ी शीट नहीं चाहिए होगी, आप छोटे छोटे पीसेस से इसे बना सकते हैं। और इस तरीके से बनाने में ये जब हम क्विल्ट करेंगे तो हमें क्विल्ट करना भी ईजी होगा। तो एक बड़ा पीस क्विल्ट करने की बजाय हम छोटे छोटे पीसेस को क्विल्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए तो हमारा कपड़ा भी कम लगेगा, बचे हुए कपड़े के पीसेस भी यूज हो जाएंगे, बची हुई फॉर्म के पीसेस हैं वो भी आपके इसमें यूज हो जाएंगे, और आपको क्विल्ट करने में भी ईजी होगा। इस तरीके से रखते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और इसे अच्छे से क्विल्ट कर लेंगे। तो क्विल्ट का डिज़ाइन आप कोई भी अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी और फिर मैं इसे बीच में से क्रॉस में स्टिच करके इसे क्विल्ट करूंगी। तो क्विल्ट का डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहें तो कुछ भी डिज़ाइन में आप चेंज कर सकते हैं, बॉक्सेस में, ट्रायंगल्स में, किसी भी तरीके से आप इसे क्विल्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप एक्स्ट्रा जो भी है उसे मैं कट कर लूँगी बराबर। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये इजी तरीके से बिल्कुल क्विल्ट हो गया है पीस। देखिए तो इसी तरीके से देखिए छोटे छोटे पीसेस मैंने क्विल्ट कर लिए हैं। अब हम इन्हें पहले आपस में जॉइन करेंगे। तो जॉइन आपके जितना बड़ा बनाना है विर्थ का, पहले हमें इसे विर्थ वाइज स्ट्रिप्स को जॉइन करना है। ये देखिए इस तरीके से कितना ईजिली है बिल्कुल, और फिनिशिंग से जॉइन हो जाते हैं। तो ये कितने पीसेस जॉइन करने हैं, जितनी आप विर्थ रखना चाहें। तो एक मैंने पट्टी बना ली, अब मैं इसी तरीके से विड्थ वाइज लंबी लंबी पट्टियाँ ज्वाइन कर लूँगी। अभी हमें इन्हें आपस में ज्वाइन नहीं करना है, हम इन्हें बेस के साथ दूसरे तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो पहले ऐसी ही पट्टियाँ बना लीजिए। जैसे देखिए मैंने पीसेस जोड़ के लंबी इस तरीके से स्ट्रिप रेडी कर ली है। तो पहले आपने भी जितना इसकी लंबाई चौड़ाई रखना चाहते हैं इस तरीके से स्ट्रिप ज्वाइन कर लेनी है, उसके बाद हम इसे बेस के साथ ज्वाइन करेंगे। तो एक तो हमने इसको अलग अलग क्विल्ट किया है तो हमारा इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आया है, दूसरा हम जो बेस अटैच करेंगे वो भी हम अलग अलग स्ट्रिप्स को करके करेंगे तो हमारा बिल्कुल भी बेस इसका बिल्कुल फ्लैट रहेगा। अब देखिए हमें करना क्या है, एक एक करके हमें स्ट्रिप्स को लेंगे। ये देखिए अच्छे से हम इसे सारा पिनअप करेंगे। तो एक एक करके ही हमें स्ट्रिप को ज्वाइन करना है। इस तरीके से ये बहुत इजी होता है क्विल्ट करने के लिए। तो अब मैं इसे पूरा अच्छे से देखिए मैंने पिनअप कर लिया, एक एक स्ट्रिप को हम इसी तरीके से पिनअप करके ज्वाइन करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पर चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने इस पर चारों तरफ इसके सिलाई लगा ली, तो हमारा इस तरीके से अटैच हो गया। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बिल्कुल भी झोल नहीं आता बीच में। अब हमें क्या करना है, पिंस को हम निकाल देंगे और हम इसमें दूसरी वाली स्ट्रिप को ज्वाइन करेंगे। तो एक स्ट्रिप ज्वाइन हो गई, अब हम दूसरी स्ट्रिप ले लेते हैं जो हमने क्विल्ट करके रखी है। ये देखिए तो ये मैंने दूसरे वाली स्ट्रिप ले ली, एक एक करके हम ज्वाइन करेंगे। अब इसे कैसे ज्वाइन करना है, पहले इसे इसके ऊपर रखना है, यहाँ पे जोड़ को जोड़ के साथ मिलाना है इस तरीके से, यहाँ से लेके पूरा लंबाई में इस पे सिलाई लगा। ये देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली, अब आपको इसको पलटना है इस तरीके से। देखिए ये मैंने इस तरीके से पलट लिया, अब आपको यहां से लेके यहां तक, यहां से सिलाई शुरू करनी है, यहां से लगाते हुए यहां तक इसको सिलाई से अटैच करना है। तो वैसे ही जैसे हमने पहले किया था इसे पिनअप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारा बेस भी इसके साथ देखिए बिल्कुल अटैच हो रहा है, बेस अलग से हमारा अलग नहीं रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा अलग नहीं रहेगा, बेस और ये दोनों आपस में अटैच रहेंगे।
तो अब हम इसे पिन कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से इसे पिनअप कर लीजिए। अब हम इस पर जो मैंने पिन किया था उसी पे हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरीके से सिलाई लगाना बहुत इजी होता है। एक एक स्ट्रिप को ज्वाइन करके अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बहुत ईजिली हमारा ये इसके साथ अटैच हो जाता है। ये तो ये ज्वाइन हो गया। इसी तरीके से हम आगे पट्टियों को ज्वाइन करेंगे। अब पहले मैं पिंस निकाल लेती हूँ इसमें से। तो पिंस को मैंने निकाल लिया और दूसरे वाली पट्टी को रखना है इसके ऊपर जैसे हमने पहले रखा था, और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये पूरा लंबाई में मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे नीचे आपको बिछाना है और जैसे हमने पहले पिनअप किया था इस तरीके से रखते हुए इसे पूरा पिनअप कर लीजिए। ये देखिए, मैंने नीचे बिछा के इसे अच्छे से पिनअप कर लिया है, और पिनअप करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो आपको भी इसी तरीके से एक एक स्ट्रिप करके पिनअप करना है और उसके बाद सिलाई लगानी है। तो बहुत ईजिली देखिए हमारा बेस फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा। इस पर हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से सारे पीसेस को अटैच कर लीजिए जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे पीसेस को ज्वाइन कर लिया और एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया। तो आपको भी इसी तरीके से जितना बड़ा बनाना है पहले बड़ा बनाना है, बाद में हम इसे साइड में इस तरीके से, देखिए बैक साइड आ गई हमारी प्रॉपर फिनिश, कहीं से कोई रफ एजेस नहीं है, ये हमारी फ्रंट साइड आ गई। तो जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं, छोटे साइज का, बड़े साइज का, बेडशीट के साइज का, इस तरीके से क्विल्ट करके बना सकते हैं। तो ये क्विल्ट करने का बहुत ही इजी तरीका है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी झोल नहीं आता, बहुत अच्छे से हमारा ये स्टिच हो जाता है। अब हम इसको साइडों से फिनिश करें। अब हम इसे साइडों से पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो 4 इंच के करीब मैंने पट्टी ली है। आप ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर रखना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली बड़ी पट्टी कट कर सकते हैं। तो पहले हमें दोनों सामने वाली साइड फिनिश करनी है। तो इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे और पूरा लंबाई में हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे पलटते हुए इस तरीके से पूरे पे सिलाई लगा लीजिए और इसकी सामने वाली साइड को भी फिनिश कर लीजिए। देखिए मैंने दोनों सामने वाली साइड फिनिश कर ली हैं। अब हम दूसरी जो सामने वाली साइड है उसको फिनिश करेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है, बस जो आपको स्ट्रिप लेनी है स्ट्रिप की लंबाई आपको थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है क्योंकि हमें कॉर्नर को भी फिनिश करना है। तो दोनों तरफ से 1-1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और इस पर सिलाई लगा ली है। अब आपको दूसरी तरफ को इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से आपको कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर बनाते हुए आपको इस पर सिलाई करनी है पूरी, और इसी तरीके से सामने वाली साइड भी फिनिश कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसे चारों तरफ से पाइपिंग से फिनिश कर दिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर इस तरीके से हमारा ये क्विल्ट बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से देखिए, छोटे साइज में, बड़े साइज की आप बेडशीट बना सकते हैं, छोटे साइज का बना सकते हैं, टेबल कवर के लिए बना सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली छोटे साइज में, बड़े साइज में आप इसे बना सकते हैं। देखिए बैक साइड इस तरीके से बनाने में बहुत ही इजी हो जाता है। एक तो फॉर्म के साथ ये इजीली क्विल्ट भी हो गया, और नीचे से हमारा बेस भी देखिए बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गया, कहीं से कोई रफ एजेस नहीं है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन जाता है। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो क्विल्ट करने में भी इजी होगा, और इस तरीके से आप छोटे साइज में, बड़े साइज में इजीली बना सकते हैं। देखिए, तो आपके पास कोई पुरानी साड़ी है, पुरानी साड़ी में से कट करके दो साड़ियों का कॉम्बिनेशन से आप देखिए बना सकते हैं। पुराने ब्लाउज पीसेस पड़े हैं उससे बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए छोटे साइज में, बड़े साइज में आप इसे बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, और क्विल्टिंग करके देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही इस तरीके से हमारा बेस भी अटैच हो गया, और बेस अलग भी नहीं है, देखिए पूरा स्टिचिंग के साथ हमने अटैच किया है और अलग से इसे क्विल्ट भी किया हुआ है। देखिए, तो ये क्विल्ट करके इस तरीके से बड़ी बेडशीट बनाने का बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। थिकनेस भी काफी अच्छी बनी है, काफी अच्छे साइज का है देखिए इस तरीके से। तो आप इस तरीके से काफी बड़े साइज में इसे इजिली बना सकते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे तो बड़े साइज में बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत ही इजी और बिल्कुल अलग तरीका देखिए इस तरीके से बनाने का,
फॉर्म के साथ अगर हम बड़ी लंबी शीट अटैच करते हैं और बेडशीट को अटैच करके जब हम क्विल्ट करते हैं तो क्विल्ट करने में उसमें झोल आ जाता है और काफ़ी दिक्कत होती है उसे क्विल्ट करने में। तो इस तरीके से अगर छोटे छोटे पीसेस को आप क्विल्ट करके फिर बाद में लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बेडशीट के साथ लगाना बताया है, तो आप इजी तरीके से इसे बना सकते हैं। देखिए छोटे साइज में, बड़े साइज में, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसे बना सकते हैं। देखिए